भाजपा में शामिल होने के बाद प्रथम जनपद आगमन पर विधान परिषद सदस्य सीपी चंद का भाजपाइयों ने शास्त्री चौक पर फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया, जिसके संबंध में एमएलसी सीपी चंद ने बताया कि पार्टी के द्वारा जो भी दायित्व तो मिलेगा उसको ईमानदारी से निर्वहन करूंगा तथा विधानसभा 2022 के चुनाव को देखते हुए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा, विधानसभा के चुनाव में भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी तथा दोबारा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा नेता व विधान परिषद सदस्य सीपी चंद ने कहा, ये तो नेतृत्व तय करेगा, संगठन तय करेगा। हम तो एक सिपाही के तौर पे आए हैं, लड़ने के लिए आए हैं, संघर्ष करने के लिए आए हैं। अब वो जो नेतृत्व आदेश करेगा वो किया जाएगा। 2022 का चुनाव है, किस तरह से आप देख रहे हैं? हम लोग उम्मीद देख रहे हैं कि जो पिछली बार जो संख्या थी उससे ऊपर जाएंगे, 300 से पार।